आप सभी दोस्तों का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। मेरा नाम है राहुल और आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना, मतलब जो आपका पेपर होगा वो आज आज होगा आपका CHSL का, आपकी थर्ड शिफ्ट होगी। और ठीक है, 40 सेट आपके टोटल हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना या फिर शेयर कर लेना जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना, ठीक है, शेयर या फिर सब्सक्राइब। और जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आ जाते हैं। देखो यार, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ठीक है, ये इस तरह का एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और एक चाप केंद्र में 90 डिग्री का कोण अंतरित है, ठीक है। मान के चलो कि इस तरीके का एक त्रिज्याखंड है और यहाँ पे कितना 90 डिग्री का आपका कोण बना हुआ है, यानी कि एंगल है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसका यानी कि 2πRH होता है, 2πR होता है, 2π इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यही आपका पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर दोगे, यानी कि 2 × 22 / 7 और इंटू में कितना हो जाएगा आर, आर कितना है आपका 14 और यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण है, तो 90 / 7 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, ठीक है, और 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा 22, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। मान के चलो कि इसका सीपी कितना है 100 है, यानी कि 30% ज्यादा कर रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा इसका 130 हो जाएगा और ग्राहकों को 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 88% की वैल्यू, मतलब 88% बच जाएगा 12% का डिस्काउंट देने के बाद में। 0 से तो 0 कट जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 × 8 कितना होता है 104 की 10 हो जाएगा, 13 × 8 = 104 और 10 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, यानी कि 14.4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 114.4 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि लाभ या हानि, देखो यार कोई चीज़ 100 रुपये की थी और कितने की बेची जा रही है, 114.4 का कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 14.4% का इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, यानी कि अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं को 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की है। यानी कि देखो अमीषा ने और मतलब हर चीज़ पे कितना 30% का तो डिस्काउंट आपको दिया है, जबकि गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसको 1110 की छूट मिली, यानी कि जो टोटल उसको कितना, यानी कि 1110 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो गिफ्ट का MRP पूछ रहा है कितना था। यार देखो यार, जो मैक्सिमम जो छूट थी उसमें वो कितनी थी, 30% थी, और जो 30% है यानी कि वही क्या होगी, यानी कि 1110 के बराबर आएगी, ठीक है, यानी कि 30% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 1110 के, यानी कि अगर मैं 1% की बात करता हूँ तो वो यानी कि क्या हो जाएगा 1110 के बटे में 30 हो जाएगा और 100% इसका MRP हो जाएगा, तो 0 से तो 0 कट जाएगी, 3 × 3 = 21, यानी कि 3700 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, यानी कि sec थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू में m होता है, तो आपकी इसकी वैल्यू निकाल रहा है। देखो यार, अगर आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, यानी कि अगर 1 होता है, यानी कि देखो, यानी कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस की वैल्यू आपके पास में m है, तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, और sec थीटा प्लस में माइनस में, माइनस के अंदर tan थीटा कितना हो जाएगा 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है 2 tan थीटा निकालना है। मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा देता हूँ, तो साइन मेरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कट गया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी कि 2 tan थीटा इक्वल टू में 1/m माइनस का m हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 माइनस का m का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ये जो कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, यानी कि ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 tan थीटा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, और ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5 बोल रहा है क्या, यदि कोई छात्र, देखो सबसे पहले देखो, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, यानी कि अंकों को दर्शाया गया है, कोष्टकों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में मैक्सिमम जो है नंबर बताता है, ये क्या है मैक्सिमम नंबर है, ये क्या है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है, या तो 80% या फिर उससे ज़्यादा परसेंट अंक प्राप्त करता है, तो ये माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। नीचे दिए गए छात्रों में से किसने 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, यानी कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर से उसने क्या किया हो, यानी कि डिस्टिंक्शन। अगर मैं बात करूं रोहित, यानी कि पहला ऑप्शन रोहित है, तो रोहित आपका ये रहा, यानी कि अगर मैं 150 का 80% की बात करता हूं तो वो 120 हो जाता है, तो यहां नहीं होगा। अगर मैं 130 का
130 का अगर मैं 80% की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 7 91, 13 8 104, ये भी नहीं होगा, समझ गया ना, यानी कि 104, यानी कि ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखते हैं, देखो किसी एक में होना चाहिए था 120, यानी कि 80%, 12 8 96, ये भी नहीं होगा। 100 का 80%, ये 80% होता है। 60 का अगर मैं 80% मानूँ तो देखो ये तो 100% हो गया, यानी कि वो किसी एक में बोला था, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि रोहित आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं तरुण की बात करता हूँ तो तरुण ये रहा, यानी कि 150 का मेरे को पता है कि 80%, 120 ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये 80% नहीं है। 130 का अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं होगा। 120 का अगर मैं बात करता हूँ तो 96 होगा, तो ये नहीं होगा। 100 का ये नहीं होगा क्योंकि 80 होना चाहिए था। 60 का 80, यानी कि ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये चीजें थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ, 60 में से 80 कैसे, ठीक है इसको छोड़ दो साइड में, और 40 में से 80 कैसे, इसको भी छोड़ दो, यानी कि तरुण भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तन्वी देख लेंगे, यानी कि देखो 70, यानी कि इसको छोड़ दो, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। 130 और ये भी नहीं होगा। अगर मैं 100 में से, ये आपका हो जाएगा 60 में से, अगर मैं 40, यानी कि देखो 60 का अगर मैं 80% की बात करता हूँ तो 8 6 48 होगा, ये भी नहीं होगा। और 40 का 60%, ये क्या हो जाएगा, ये तो ओवर ही हो गया, ठीक है इसको छोड़ दो। यानी कि देखो यहाँ पे एक एक बंदा है, ठीक है, जिसके 80% है, इसको इग्नोर करना वैसे तो। और अगर मैं सजल की बात करता हूँ तो देखो 90, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है, 15 8 120 होता है। और 130 ये भी नहीं होगा। 70 की बात करता हूँ, 12 8 96, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 60 में से 90 कैसे, 40 में से 70 कैसे, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा बचता है आपके पास में, हो जाएगा तन्वी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पजलिंग वाला क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। और तो मेरे को तो कई बार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गलत भी ना हो, क्योंकि 40 में से 60 या फिर ये परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं क्लियर नहीं है इसके अंदर, ठीक है इसको छोड़ दो अभी। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में टिक मारोगे तो इस हिसाब से ही मारोगे, तन भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ए और बी एक काम को, यानी कि ये 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 10 30 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, यानी कि अगर 5 दिन पहले की बात कर रहा है, देखो दो कंडीशन होती है, एक तो हो जाएगा बिफोर और एक होता है आफ्टर। अगर मैं आफ्टर की बात करता हूँ तो टोटल वर्क में से ये घटा दोगे, लेकिन अगर मैं बिफोर की बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो ये क्या हो जाता है, टोटल वर्क में ये ऐड हो जाता है। अब देखो, यानी कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी है, 3, यानी कि एक दिन के अंदर वो 3 यूनिट करेगा, तो 5 दिन के अंदर वो कितनी यूनिट काम कर लेगा, यानी कि 15 यूनिट काम कर लेगा। और 15 यूनिट क्या कर देगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि एफिशिएंसी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 इनमें कितना हो जाएगा, 45, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, यानी कि 100 रुपये की चीज थी, उसको 140 MRP किया है और 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 140 में से अगर मैं 140 में से अगर कितना घटा दे कितना घटा देंगे 14 घटा देंगे, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 126 बचता है, ठीक है। छूट उत्पाद देकर उसको 3780 में बेचा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3780 दे रखी है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो यार इसको तो अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वैल्यू की कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर है ना वो परसेंटेज में पूछा है, तो मेरे को वैल्यू का यानी कि जो यहाँ पे 3780 दे रखा है इसका कोई काम नहीं है। यानी कि देखो 100 से कोई वैल्यू कितने की बेची जा रही है, 126 की, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 26% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखो पिछली वर्ष की तुलना में 2022 में, यानी कि 2022 की बात कर रहा है, और 2022 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 2021 में कितना था, 1975, और 2022 में कितना है, 2100, यानी कि कितने का कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 125 की वृद्धि हो गई। 125 की वृद्धि होगी कितने पे, यानी कि 1975 पे, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 5 125 होता है, 25 7 175 होता है, कितना होता है, 175, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 25 में 225 हो जाएगा, ठीक है। 5 के बटे में, यानी कि 500 के बटे में कितना हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग इसका डील है, ठीक है, यानी कि 500 के बटे में कितना, 79, इसको भाग करके देख लो, ठीक है। अब देखना, यानी कि अगर मैं 79 को 6 से करता हूँ तो 6 में 54 की 5 6 7 42, और 5 कितना हो जाएगा, 47, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 474, यानी कि 6 से चला जाएगा तो 474, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 260 हो जाएगा। अब देखना यार, देखो यहाँ पे 6 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है 6 वाले, ठीक है,
देखो यार 260 दिखाई दे रहा है तो एक पे तो नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर मैं 9 पे बात करता हूँ तो 9 दूनी 1800 होता है, तो ये वैसे ही नहीं हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 पे नहीं जाएगा 260, यानी कि समझ गए ना, यानी कि 260 9 पे नहीं जाएगा। अगर मैं 80 मान के चलूँ और 3 से करूँ तो 3 8 24, यानी कि कितना 240 हो गया है ना, तो 240 के आसपास ये थोड़ा सा तो ज़्यादा है, यानी कि 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाओगे, ठीक है, यानी कि अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद आपका आंसर आ जाएगा तो वहीं छोड़ देना उस क्वेश्चन को और टिक मार के आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक दुकानदार 3 ब्रेड और 1 पैकेट, यानी कि देखो 3 ब्रेड और 1 पैकेट जूस, एक पैकेट जूस कितना 323.5 रुपए का है, ठीक है, और दुकानदार 5 ब्रेड, यानी कि 5 ब्रेड और कितना, यानी कि एक पैकेट जूस इक्वल टू में कितना है 433.5 का है, ठीक है। इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन फर्स्ट मानूँ, क्वेश्चन सेकंड मानूँ, तो अगर मैं इसको घटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास में देखो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस 2 ब्रेड आ जाएगा, और 433 में से 323.5 घटा दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 110 बच जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस से तो माइनस कट गया, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 ब्रेड की कीमत कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 1 ब्रेड की कीमत की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, समझ गए ना, यानी कि 1 ब्रेड की कीमत की वैल्यू कितनी हो गई, 55 हो गई। और अगर मैं 3 ब्रेड की कीमत की वैल्यू की बात करूंगा तो 55 कितना होता है 165। अगर मैं एक जूस की बात करता हूं तो 323 में से 5 में से अगर मैं 165 घटा देता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा, ये आपको बताना है, यानी कि 5 का तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 158 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 158 क्या हो जाएगा, एक जूस की कीमत हो जाएगी। अगर मैं 2 जूस की कीमत की बात करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 5 10 की, 1 2 8 16 17 की, 1 2 5 10 11 की, 1 2 1 2 3 317 इसका क्या हो गया, यानी कि 2 जूस हो गए, 2 जूस कितने 317 के, और 2 ब्रेड कितने 110 के, दोनों को जोड़ दो 317 और कितना 110, 7 2 और 427 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा, यानी कि 13051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखो यार अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो 8 5 13 और 8 5 13 13 4 17 है, तो ये तो 9 से नहीं कटता, ठीक है, 7 5 12 12 3 15 और 1 16 ये 9 से नहीं कटता, 6 3 9 ये भी 9 से नहीं कटता, ठीक है, और 9 9 तो ये 5 3 8 1 9, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये 9 से कटते ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए आपका इस तरीके से दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखना, अगर मैं इसको देखो ये चीज़ है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस का ए अंडर रूट 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको ए से डिवाइड कर दो तो यहाँ से तो ए आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1/a आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो a माइनस का 1/a और इक्वल टू में अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर दो आप, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर इक्वल टू में 8 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 वैल्यू निकाल सकते थे, कौन सी, कई बार मैंने बता दिया, a प्लस में 1/a और a माइनस का 1/a, यहाँ से आपको प्लस की वैल्यू चाहिए तो प्लस के लिए आपको क्या करना पड़ता था, यानी कि 8 के अंदर 2 जोड़ के इसका अंडर रूट कर दो, यानी कि अंडर रूट 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है, यानी कि cos थीटा प्लस में sec थीटा इक्वल टू में अंदर रूट 3 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। अब देखना इसके अंदर अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, तो बस यहाँ पे क्या दे रखा है, एलजेब्रिक इक्वेशन बननी है और आंसर आपका जाना है, यानी कि x प्लस में 1/x इक्वल टू में अंडर रूट 3 दे रखा है, आपको क्या निकालना था, x की क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब निकालना, तो ये क्या होता है n का क्यूब माइनस के अंदर 3n, यानी कि n का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास में 0 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 13। 13 क्या बोला, यदि वर्ष 1999 में, यानी कि वर्ष अगर 1999 की बात करें तो ये सारा 1999 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, 46,000, समझ गए, यानी कि 1999 में 46,000 रुपये खर्च की जा रही है, तो भोजन पर खर्च की गई, यानी कि देखो यार थोड़ा सा जब आपके पास होगा ना, तो ये देखो ये आपका फूड है और ये कितना है 23% है, ठीक है, तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि कितना, यानी कि 46,000 का आपको 23% निकालना था, ठीक है, तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएगी,
एक जीरो से ऐसे ही रहने दो, 3 6 18 यानी कि लास्ट में 80 आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं हो। देखो नहीं तो आप क्या करोगे, 460 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। देखो और मैं क्या कर रहा हूँ, तो 460 इंटू में 23, ठीक है, एक जीरो तो रहेगी रहेगी, ठीक है, एक जीरो रहेगी, 3 6 18, समझ गए। तो इसी वजह से यहाँ पे 80 आ जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, यानी कि एस ने क्या है 37,800 मूल्य की एक वस्तु पी को 8% के लाभ पे, यानी कि 8% का क्या मतलब हो गया, 4 × 8 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि एस ने है पी को यानी कि 25 से कोई चीज कितने पे बेचती, यानी कि 27 पे बेचती, समझ गए। अब देखना उसके बाद में क्या बोल रहा है कि पी इसे क्यू को, यानी कि पी इसे क्यू को क्या कर रहा है, यानी कि 4% की हानि पर 1/25 होता है, यानी कि कोई वैल्यू 25 से कितने की बेच रहा है, यानी कि 24 से बेच रहा है, ठीक है, 25 से 24 से बेच रहा है। अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा, और पी की बात करता हूँ तो 27 × 25 हो जाएगा, और मैं क्यू की बात करता हूँ तो 27 × 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी किस मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी कि जब एफ की वैल्यू कितनी है, यानी कि 37,800, देखो आप कह सकते हो कि 25 × 25 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 37,800 दी हुई है, ठीक है। तो एक यूनिट की बात करूंगा तो कितने हो जाएगा, 37,800 और इंटू में 25, इंटू में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, यानी कि पी की बात कर रहा है तो पी कितना है, 27 × 27 × रुक जाओ, पी ने किस मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी कि किस मूल्य पर वस्तु को बेचेगा, यानी कि 27 × 24 हो जाएगा क्यू की वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपको 27 × 24 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यार, अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन अब यहाँ पे फंस गया। अब देखना यहाँ पे अगर मैं 37,800 की बात करूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस चीज़ से देखूँ, अगर मैं एक मिनट रुकना, पेन थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि 37,800 है ना, 37,800 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, यानी कि 378 × 100 लिख सकता हूँ ना, तो 25 × 25 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब देखना इतना चीज़ हो गई, अब उसके बाद में आपके पास में 25 बचा, ठीक है, 25 बचा, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि 25 को पूरा पूरा तरीके से काट दे, ठीक है। अब देखना ये 378 है, यानी कि 25 × 25 यहाँ पे देखो 37 था ना, यानी कि 25, यानी कि 2 और 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 8, यानी कि 128, यानी कि 25 × 25 में कितना होता है, यानी कि 125, 30 बच जाएगा, तो 25 × 25 25 × 50 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 15.12, समझ गए, यानी कि अगर मैं देखूँ तो 15.12 इंटू में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, इंटू में 4 इंटू में 27 हो जाएगा, इंटू में 24 हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास में आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और कहीं ना कहीं देखो 399 399 399 399 और ये प्लस में 2, यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है। और देखो लास्ट में कितना रहा है, लास्ट में, और सबसे सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेशन में अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं अब आपका डीएस मल्टीपल सब आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर मैं देखूं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 × 8 4 = 4 4 × 5 = 20 2 × 4 = 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 60.48, ठीक है, 27 और 24, ठीक है, यानी कि 27 और 24। यार इतना काम आप खुद कर सकते हो यार, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है यार, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके और मतलब इसके आसपास ही आएगा, तो आप इसको टिक मारना, बाकी जो भी होगा अगर क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर सही ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो यार अभी कर लो, मेरे से क्यों करवा रहे हो, ठीक है, समझ गए ना। और कोई इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आसान है लेकिन इसके अंदर क्या है, देखो यार हम जो क्वेश्चन को इजीली करते हैं ना तो वो क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास में, एक देखो हमारे पास में लास्ट डिजिट से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल हम देखते हैं तो वो ईजी हो जाता है, समझ गए, और सेकेंड लास्ट डिजिट भी हम देखते हैं, ठीक है, वो से उसकी वजह से भी एक डीएस भी होता है उससे भी, और क्या होता है, और मतलब और कुछ देख सकते हैं, तो मल्टीपल यही सब चीज़ें हम देखेंगे जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या होता है, ईजी हो जाता है, और वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, मिसिंग हो रही हैं, ठीक है, मिसिंग हो रही हैं, तो अभी क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 15,
केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, यानी कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ये आपका सर्कल है और ओ आपका सेंटर है, जीवा ए बी यानी कि जीवा यानी कि कोण आपको हो जाएगी ए बी, ये आपकी कोण ए बी है जिसकी लंबाई 20 दे रखी है, यानी कि अगर इसकी लेंथ कितनी है 20, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या आपके पास में 12, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिभुज ए और बी की क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखो यार, अगर मैं ऐसे इसको लंब डाल दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, 144 में से अगर मैं 100 को घटा देता हूँ तो अंडर रूट में 44 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 44 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा 20 और लंब कितना हो जाएगा अंडर रूट 44, यानी कि 2 धाम कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू में 4 इंटू में 11, 4 को कैसे बाहर निकालोगे 2, यानी कि 10 दूने 20 अंडर रूट में 11, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16, कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 46,656 हो जाएगी। देखो यानी कि 4,000 की तो वो प्रिंसिपल था और फिर कितना हो जाता है 46,656 हो जाता है, यानी कि अगर मैं टोटल इंटरेस्ट देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 6,656 हो जाएगा, यानी कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने पे, यानी कि 40,000 पे, 6,656 कितने पे, 40,000 पे आपके इंटरेस्ट मिल जाता है, यानी कि 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, ठीक है, यानी कि 4 6 24, यानी कि 2 4 6 24 और 4 4 16, यानी कि 16.64, यानी कि 16.64 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि नेट रेट आपके पास में निकल के आ गया। और अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में रेट है 8%, तो 8% यानी कि 2 साल का अगर बात करेंगे तो 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा 16.64 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिरे की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई की बात करें तो 21 है और अगर मैं L की बात करता हूं तो वो कितनी है 29 है, तो इसका आयतन बताना है। तो आयतन क्या होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई की जगह ये हो जाएगा, आर की बात करेंगे तो आर आपको नहीं पता, और लेकिन आपको एक चीज़ पता है क्या, कि 21 29 के साथ में जो ट्रिपिट बनता है वो क्या बनता है, 20 बनता है, यानी कि इसकी आर कितनी हो जाएगी, आर इसकी 20 हो जाएगी, ठीक है, आर तो इसकी 20 हो जाएगी और 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 और इंटू में एच, एच की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 या 21 से ये कट गया, आपके पास में कितना हो जाएगा 22 2 44 और 44 2 88 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 18, असीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 9% साधारण ब्याज की दर से 75,000 का लोन लिया, ठीक है, यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया। देखो यार, कौन कौन से मंथ आ रहे हैं, देखो मार्च आ रहा है, यानी कि अप्रैल आ रहा है, ठीक है, मई आ रहा है और क्या आ रहा है, जून आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मार्च की बात करूँ तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 में से 26 तारीख तक हो गए, 26 5 कितना हो जाएगा 31, 5 दिन आपका इसमें बचा। अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31 होते हैं और ये कब की बात कर रहा है, 7 जून, यानी कि 7 दिन यहाँ पे आओगे आपके, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 61 और ये हो गया आपका 12, यानी कि ये हो गया आपका 73 दिन का आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना, यानी कि कितने का लोन ले रहा था, ये आपका लोन ले रहा था 75,000 का, 73 दिन का आपको इंटरेस्ट था कितने पे, और पूरे दिन में 2022 लीप ईयर नहीं है तो 365 इसके दिन हो जाएंगे, समझ गए, और आपका रेट कितना है, यानी कि 9/100 आपका 100, ठीक है, 9/100 आपका रेट हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना था, 73 एकम 73 73 5 365 होता है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 5 एकम 5 5 5 25 15 दिन में कितना होता है 135, यानी कि देख कितना हो जाएगा 15 दिन में 135, यानी कि 135 1350 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, 75,000 लोन था, 1350 का इसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 76,350, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 76,000, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे 75,350 है, ठीक है, तो 76,350 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, 12 खिलाड़ियों के एक समूह में से औसत भार 1.5 kg बढ़ गया। देखो यार, ध्यान से देखना, 1.5 kg बढ़ गया, कब बढ़ा, जब समूह में 63 kg भार वाले के स्थान पर नया खिलाड़ी आया। देखो यार, एक 63 साल का जो आदमी था ना, उसकी जो 63 किलो का जो आदमी था वो चला गया, इसके जाने से क्या हुआ, यानी कि एक दूसरा बंदा आया, उसकी एंट्री हुई और जो इसका एवरेज था वो कितना 1.5 से बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि मतलब हर एक बंदे के अंदर 1.5 तो एवरेज रहा ही होगा, ठीक है, तो 15 × 12 कितना हो जाएगा 18, यानी कि टोटल 18 kg बढ़ गया होगा और 63 kg का तो गया ही था, 63 और 18 8 और 3 11 6 7 8 कितना हो जाएगा 81 kg का वो नया बंदा होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यार, बारिश हो रही है,
और कहीं ना कहीं आवाज़ में थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को क्या करो, इग्नोर करो और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बस। अब मैं बीच में वीडियो रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। यदि कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा माइनस का अल्फा माइनस का 22, और यहाँ पे जो 3 अल्फा है वो 90 से छोटा है, देखो, ठीक है, कम हो रही है बढ़ रही है, तो जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। देखो कॉस, इसको 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 3 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 90 और माइनस का अल्फा और प्लस का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये माइनस का अल्फा इधर का क्या हो जाएगा, 4 अल्फा हो जाएगा। 9 दो 11 यानी कि 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 8 32 यानी कि 28 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यानी कि tan थीटा आपको कितना दे रखा है, यानी कि 8 के बटे में 19। अगर ये 8 है तो ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसको आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको देखो 19 361 होता है, 8 8 64 होता है, 5 हो जाएगा 6 6 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो 25 8 200 होता है, यानी कि 25 को अगर मैं 17 से बात करता हूँ, 17 5 85 का 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। यानी कि 5 अंडर रूट 17 बोल सकते हैं, तो 5 अंडर रूट में 17 ये हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा 19 के बटे में, यानी कि 19 के बटे में 5 अंडर रूट 17 का और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 19 कितना हो जाएगा, 19 आपका, अच्छा sec पूछ रहा है, sec क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट में 17 और अपॉन में कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 425 अपॉन में 361 और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 22 है, इसको फिर से वैसे ही करेंगे कि x स्क्वायर माइनस का 5x और इक्वल टू में 1, इससे x से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बाई x आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो x माइनस का 1 बाई x इक्वल टू में 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दूंगा x का स्क्वायर प्लस में 1 बाई x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो 27 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 23। थोड़ा सा वेट करना, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआत देता है, देखो एस और टी है, ठीक है, 500 मीटर की दौड़ में 500 मीटर की शुरुआत देता है, 5 किलोमीटर की दौड़ है, यानी कि एस टी को, यानी कि एस कितना दौड़ रहा है, यानी कि 5000 मीटर दौड़ेगा और टी कितना, यानी कि टी दौड़ेगा आपका 4500 मीटर, समझ गए ना। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो 20 से तो 20 कट गया, 5 एकम 5 और 5 में 45 हो गया, ठीक है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की तो टी की चाल कितनी है, टी की चाल आपकी 13.5 है, यानी कि 9 एकम 9 9 पंचे 45 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर वाली कितनी हो जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये, और इस तरीके से देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट, y की वैल्यू 4 यूनिट और z की वैल्यू 5 यूनिट, यानी कि x की जगह क्या रखोगे आप 3 और y की कितनी जगह क्या रखोगे 4, और y की जगह रखोगे 4 और z की जगह रखोगे 5 और z की जगह रखोगे 5 और x की जगह रखोगे 3। यहाँ पे 4 5 3 का एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, यानी कि 520 या 60 हो जाएगा, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 पंजे 20 15 से कितना हो जाता है 45 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10 12 चौक कितना होता है 48 हो जाता है, 3 दूनी 6 यानी कि 20 पंचे कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा 45 48 और 100, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एम एन ओ दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये आपका हो जाएगा एम एन और ओ और एक ये त्रिभुज हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड, यानी कि जिनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 है, मान के चलो कि ये 9 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा त्रिभुज, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े त्रिभुज तो ये है, ये आपका 243 दे रखा है, तो छोटे त्रिभुज की वैल्यू आपको पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी एरिया की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 81 यूनिट, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 4:16 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 81 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 243, अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो 243 के बटे में 81 और मेरे को 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, बस आपको इसको काटना है आंसर आ जाएगा।
81 243 और 16 कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर फीट इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, इस तरीके से ये वाली शिफ्ट आपकी कंप्लीट होती है। और जो बीच में आपके मतलब ऑब्स्टेकल आया ना ये बारिश का, ठीक है, तो जस्ट इसको इग्नोर करना है और बाकी आप देखना है कि यार जो जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन कराया कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया या नहीं किया। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।